वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बीते साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत की तस्वीरें दोबारा एक एक करके सामने आने लगी हैं। मार्च में मामलों का बढ़ना, फिर सरकार का पाबंदियों का ऐलान करना, इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों से आकर बड़े शहरों में नौकरी करने वाले मजदूरों ने भी पलायन करना शुरू कर दिया है। मुंबई में काफी तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रवासी मजदूर वही वर्ग है जो पिछले साल यात्रा सेवाएं बंद होने के कारण पैदल या अलग अलग तरीकों से अपने गांव तक पहुंचा था। देश के कई हिस्सों में मजदूरों की घर वापसी की खबरें आ रही हैं। जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं यह मुंबई की है और यह ट्रेन लोकमान्य तिलक है। इसमें भीड़ इतनी है कि खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। ये तस्वीरें आज ही की हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना एक बार फिर लोगों को कैसे डरा रहा है। ट्रेन ऐसी भरा है, फुल है, पूरा एकदम फुल है। और कहाँ जाने वाली ट्रेन है? गोरखपुर। पूरा भरा हुआ, गर्दी है पूरा, गोरखपुर आई है। तो आप लोग कहीं काम से जा रहे हैं या फिर कोरोना के डर की वजह से? कोरोना के डर की वजह से। कोरोना के डर से केवल यूपी बिहार के लोग ही नहीं लौट रहे हैं, झारखंड में भी लौट रहे मजदूरों की संख्या बढ़ी है। यहाँ हर रोज सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना से लौट रहे हैं। ओडिशा के गंजम जिले में भी यही हाल है। गुजरात, महाराष्ट्र और केरल जैसे देश के हॉट स्पॉट राज्यों में रहकर काम कर रहे मजदूरों ने अपने गाँव लौटना शुरू कर दिया है। वहीं सूरत और मुंबई से आ रही रेलगाड़ियाँ भी पूरी भरी हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी मजदूरों के वापस आने का बड़ा कारण बन रहा है। भैया जा रहे हैं बिहार। अभी क्या सोच के जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप? अब सोच रहे हैं कि भाई साहब लॉकडाउन लगने वाला है, चल रहे हैं बिहार, कुछ तो गांव में कुछ करके खाएंगे। लॉकडाउन तो अभी नहीं लग रहा है? अब रात के लग गया है, दिन के कौन देखा भाई। बच्चों लोग के समस्या बन गया, लॉकडाउन हो जाएगा तो हम लोग दिल्ली में रह के कितना क्या खर्चा कर सकते हैं, इसीलिए अपना गांव में जा रहे हैं। तो पिछली बार क्या परेशान, लॉकडाउन में आप फंस गए थे? हाँ, फंस गए थे हम लॉकडाउन में। अच्छा। इस वजह से अभी समस्या देख के हमको जा रहे हैं, बच्चे लोग चल जाए तो वहाँ सही रहेगा। ये जो है दिल्ली में बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, इसीलिए हम लोग सब परिवार सोच रहे एक जगह हो जाए तो चाहिए। पिछली बार जो है ना हमारे परिवार आधे आधे हो गए थे, इसीलिए आप सोच रहे कि सब साथ में रहे तो सही रहेगा। तो पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था आप लोग कैसे गए थे? पैदल गए थे। अच्छा, तो उसी डर से पहले जाना चाहते हैं ताकि ऐसी नौबत ना। जी। हालांकि रेलवे का बयान मजदूरों को पलायन को फेक बता रहा है। नॉर्थ इंडियन रेलवे के CPRO दीपक कुमार का कहना है कि कुछ न्यूज चैनल बता रहे हैं कि कोरोना के डर से मजदूर पलायन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनिए दीपक कुमार ने क्या कुछ कहा है। परसों एक चैनल न्यूज़ चला रहा था कि मजदूर जो हैं वो लेबर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक शॉट भी दिखाया जिसमें एक पैसेंजर दिखाया है और उसको वो पूछ रहे हैं कि आप जो है वो दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन होने की उम्मीद है। मैंने उनको ये बहुत क्लियरली उनको बताया कि जब बहुत से लोग पलायन करते हैं तो हजारों की संख्या स्टेशन के ऊपर आती है। आप पिछले 3 दिन से मैं मीडिया को नई दिल्ली स्टेशन पे ऊपर और आनंद विहार पे लेके जा रहा हूँ। मुझे और मेरे मीडिया बंधु जिन्होंने मेरे साथ वॉक थ्रू किया है उनको ऐसा कोई भी पलायन जो है वो मजदूरों का पलायन नज़र नहीं आया। तो इसलिए ये न्यूज़ ठीक नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है वो जो सच है उसको दिखाना हमेशा अच्छा है। कल हम लोगों ने नई दिल्ली पे वॉक थ्रू किया था जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एरिया, कॉनकोर्स, टिकट विंडोज़ और जो सर्कुलेटिंग एरिया उस सब का वॉक थ्रू हम लोगों ने कल किया था। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने खुद कैमरा लेके आप नई दिल्ली ही नहीं सारे के सारे स्टेशन हमारे देखिए, चाहे आप आनंद विहार चले जाएँ, नई दिल्ली चले जाएँ, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाके देखें और ख़ुद सुनिश्चित करें कि ये जो न्यूज़ है ये ठीक नहीं है। तो ये था कोरोना के डर से वापस लौट रहे प्रवासियों पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं।
साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।